हेलो एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट निधि गुप्ता। आज हम बात करेंगे समन के बारे में कि समन क्या होता है और वो क्यों जारी किया जाता है और उसमें कौन कौन से विवरण होते हैं न्यायाधीश द्वारा जो हमें दिए जाते हैं, उसके अंदर वो समन में जानकारी जो है वो दी जाती है। तो बात करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। समन समन न्यायालय द्वारा किया जाने वाला एक आदेश होता है जो व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए दिया जाता है। सामान्यतः वह वादी द्वारा वाद संसित किए जाने पर प्रतिवादी को लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय में उपस्थित होने हेतु जारी किया जाता है। कभी कभी वह साक्ष्यों की उपस्थिति के लिए भी जारी किया जाता है। संबंध में बहुत सारे विवरण जो हैं वो दिए जाते हैं कि वो क्यों जारी किया गया है और उसमें क्या क्या होते हैं। उक्त दिनांक एवं समय जबकि प्रतिवादी को न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना है, ये समन के अंदर लिखा होता है। यह प्रतिवादी के आधिपत्य में किसी दस्तावेज को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है तो उसका उल्लेख होता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अपने साथ लेकर के आने हैं तो वो उसमें नोट डाउन किए जाते हैं। समन जारी किए जाने का प्रयोजन, आखिर आपको समन क्यों दिया गया है और अर्थात वह किस लिए जारी किया जा रहा है, ये भी समन के अंदर, अर्थात वह किस लिए जारी किया जा रहा है। समन पर समन करने वाले न्यायाधीश के या फिर उस निमित्त जो भी पदाधिकारी है उसके हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए और न्यायाधीश न्यायालय की मुद्रा भी उस पर अंकित होनी चाहिए। तो ये सब समन में, जब समन जारी किया जाता है तो ज़रूरी होता है।